पुलिस अधीक्षक के स्तर से साल में एक बार सभी थाने उनके अंदर जितने थाने हैं उनका निरीक्षण किया जाना, उसी उसमें मुख्य रूप से थाना के अभिलेखों की क्या स्थिति है, विभिन्न कांडों में क्या स्थिति है, थाना के जो पदाधिकारी हैं वो ठीक से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, इसको लेकर के निरीक्षण किया जाता है। उसी क्रम में आज बाजपट्टी थाना का इंस्पेक्शन किया जाएगा। साथ में यहाँ पे पुलिस प्रोबेशनरी डीएसपी हैं जो कि पदस्थापित हैं, इनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे हो गई, तो इसलिए आज से भी यह रखा गया है कि इनका जो अभी तक का ट्रेनिंग हुआ है उसका भी रिव्यू किया जा सके। तीनों जो प्रोबेशनरी डीएसपी इस जिले में पदस्थापित हैं तीनों को बुलाया गया है कि उन्हें भी सीखने का अच्छा मौका मिलेगा और साथ ही साथ थाने का निरीक्षण का कार्य भी होगा। अब बढ़ते अपराध को लेकर के आपकी सर पोस्टिंग हुई है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहना मेरी जानकारी में तो नहीं है कि क्यों पोस्टिंग की गई है, लेकिन जो भी अपराध इत्यादि होती है उसको लेकर के हम लोग प्रोफेशनल पुलिसिंग करेंगे। प्रोफेशनल पुलिसिंग में जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है प्रिवेंटिव पुलिसिंग की वो भी करेंगे, और जो कोई के जो अपराधी हैं उन्हें जो बचे हुए हैं गिरफ्तारी के लिए विभिन्न कांडों में, उनके गिरफ्तारी के लिए हम लोग कार्य योजना बनाए हैं, उसके तहत हम लोग उनकी गिरफ्तारी करके कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपराधी जेल के अंदर हैं और अपराध में कमी है। अब बाजपट्टी थाने का निरीक्षण आपके द्वारा सर किया गया है, अभी तक कुछ कमी या कुछ अच्छा आपको लगा? अभी निरीक्षण प्रारंभ ही किया गया, कुछ अभिलेख का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया, मोटा मोटा संतोषप्रद है, वैसे कोई गंभीर खामी अभी तक